स्वामी प्रसाद मौर्या जी जब से चुनाव हार गए हैं वो विचलित हो गए हैं। राजनीति में बयानबाजी को लेकर कोई ना कोई नेता सामने आता रहता है। वहीं एक बार फिर उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान सामने आया। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्या जी जब से चुनाव हार गए हैं वो विचलित हो गए हैं, तो चर्चा में आने के लिए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। दरअसल उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य विचलित होकर चर्चा में बने रहने के लिए ऐसे विवादित बयानबाजी करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने परिवहन निगम में बसों के किराए में हुई वृद्धि को सही करार दिया। आपको बता दें कि बलिया शहर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए परिवहन राज्य मंत्री ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा किए गए हाल ही ट्वीट का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इंडियन आर डॉग कहकर अंग्रेजों ने जो अपमान ट्रेन में गांधी जी से किया था वह दर्द गांधी जी ने समझा था, उसी प्रकार धर्म की आड़ में उसका दर्द शुद्ध समाज ही समझता है। उसी ट्वीट को लेकर किए गए सवाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दयाशंकर सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद सपा नेता स्वामी विचलित हो गए हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं परिवहन मंत्री ने राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में किराया बढ़ाने को सही करार देते हुए कहा कि बसों में किराया तब का निर्धारित था जब डीजल 60 रुपए प्रति लीटर था, आज डीजल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर है। साथ ही किराए में वृद्धि के बाद भी भारत भर में सबसे कम किराया उत्तर प्रदेश में ही है। उन्होंने कहा कि डीजल के मूल्य में 30 रुपए की वृद्धि के कारण गैप की पूर्ति नहीं हो पा रही है। वहीं आगे कहा कि कोरोना काल में 2 वर्ष में कोई नई बस नहीं खरीदी गई। वहीं आगे कहा कि राज्य सड़क परिवहन निगम को जर्जर हालत से उभारने के लिए योगी सरकार अनेक कदम उठा रही है, नियुक्तियों से लेकर नई रोडवेज बस खरीदी जा रही है। वहीं 2300 नई बस खरीदी गई, पुरानी बसों को शिफ्ट कर नई बस लाना है, सुविधाएं बढ़ रही है, घाटे में चलने के कारण शासन के आदेश को देखते हुए नई नियुक्तियां नहीं हो पा रही है, 10,000 से अधिक नई नियुक्ति होनी है। वहीं संसद में पेश हुए आम बजट में महंगाई के सवाल पर परिवहन मंत्री ने कहा कि मोदी जी और योगी जी की सरकार में गरीब के घर में अन्न का भंडार है। उन्होंने दावा किया कि देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि आप बताएं कि आज किसी के घर में अन्न के लिए चूल्हा ना जला हो, कोई अगर भूखा रहा हो। मोदी और योगी के राज में गरीब के घर में भी सरकार द्वारा काफी मुफ्त राशन से अन्न का भंडार लगा हुआ है। बलिया से जनहित के संवाददाता सतेंद्र सिंह की रिपोर्ट।